कुणाल ताजा अपडेट दीजिए, क्योंकि सुबह 8:30 बजे टीम वहां पहुंच गई थी, 11 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उससे पहले अभी भी छापेमारी चल रही है। कब तक ये छापेमारी चल सकती है और आगे और क्या हो सकता है? देखिए, लंबी छापेमारी चलेगी। अभी हम ठीक यहाँ पर आपको दिखाएं, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री का घर है, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, और भीतर जो चल रही है इस वक्त कार्रवाई वो पीबीआई की है। तो आज यहाँ पर जो गेस्ट बन करके आए हैं, जो अतिथि बन के आए हैं, वो सीबीआई है, और अंदर ये आधिकारिक आवास, यहाँ पर अभी आपको अंदर शांति दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर सीबीआई की रेड लगातार चलती हुई अब लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, जब सीबीआई के अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। और ये सिर्फ मनीष सिसोदिया का घर नहीं है जहां पर इस तरीके की कार्रवाई चल रही है, 21 अलग अलग जगह है, अलग अलग राज्यों में जहां पर इस समय छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, उसमें अरावा गोपीकृष्णन जो तब आबकारी कमिश्नर थे उनके घर में भी छापेमारी है, और दमन दीव जैसे राज्य में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो ये एक बड़ा जो चेन है जो निकल करके आया मुख्य सचिव की रिपोर्ट में 7 बिंदुओं में कि गड़बड़ी पाई गई, उसके बाद ये लगातार कार्रवाई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अंदर तो अभी फिलहाल सीबीआई की टीम है, हमें बहुत कुछ एक्टिविटी, बहुत कुछ चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बंद कमरों में जो मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट थी, जिसका आधार बनाया गया, सीबीआई ने जिसको आधार बनाया है, उसके बेसिस पे ये इस समय छापेमारी चलती हुई। मुख्य 3 बातें हैं, एक तो कि जिस समय कोविड था उस समय लगभग 143 करोड़ रुपए की छूट दी गई अलग अलग शराब दुकानों को, दूसरा जो कि एयरपोर्ट था वहां पर जो शॉप्स खोलनी थी उसमें लगभग 50 करोड़ का जो कि सिक्योरिटी मनी था वो उनको माफ कर दिया गया, वेव ऑफ कर दिया गया उसको लेकर के। इसके अलावा एक फैसला लिया गया था कैबिनेट की तरफ से कि तमाम जो छोटे छोटे फैसले होंगे नीति में बदलाव के, वो मनीष सिसोदिया यानी जो आबकारी मंत्री थे वो खुद अपने स्तर पर लेंगे। इस तमाम चीजों की कड़ियों को जोड़ते हुए ये इस समय सीबीआई की रेड चल रही है। क्या कुछ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये तो जब खत्म होगी रेड उसके बाद पता चलेगा। अपने अपने दावे आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये अब गंभीर होता जा रहा है। और इस बात से भी थोड़ी सी शंका बढ़ती है कि नवंबर में यानी पिछले नवंबर 2021 में ये पॉलिसी आई थी और उसको वापस लेनी पड़ी मई जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में, तो निश्चित तौर पर 8-9 महीने में क्यों वापस लेना पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है कुमार कुणाल, रहिए जरा, देखिए सिसोदिया के घर पर दोनों ही सहयोगी हमारे मौजूद हैं और ये कोशिश हो रही है कि कोई भी एक्टिविटीज अगर वहां पर होती है तो वो पल पल की अपडेट आज तक आप तक पहुंचाए। बताया जा रहा है कि दिल्ली में अलग अलग जो अधिकारी इससे जुड़े हुए थे उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली में कितने ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी हो रही है और दिल्ली के अलावा किन किन शहरों में छापेमारी चल रही है? देखिए, इसमें कई सारे अधिकारी पाए गए थे, 11 अधिकारियों के खिलाफ इस समय जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसकी अनुशंसा की गई है उपराज्यपाल की तरफ से। जो सबसे मुख्य अधिकारी हैं अरावा गोपी कृष्णन, जो कि तब आबकारी जो पूरी नीति बनी थी उसको बनाने के कर्ता धर्ता गोपी कृष्णन ही थे, उनके घर पर छापेमारी चल रही है, उनके अलग अलग जगहों पर चल रही है। इसके अलावा कई सारे अधिकारी हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, जैसा मैंने बताया अरावा गोपी कृष्णन के अलावा 10 सीनियर स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें जो आईएएस अधिकारी भी हैं, दानिक्स अधिकारी भी हैं और भी अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं। तो उन तमाम लोगों के घरों पर इस समय छापेमारी चल रही है, क्योंकि ये पूरा मामला जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो यूनियन टेरिटरी कैडर से जुड़े होते हैं, तो ऐसी जगहों पर जहां पर उन अधिकारियों की नई नियुक्ति की गई है, उन राज्यों में भी जैसे मैंने बताया दमन और दीव, वहां पर भी कुछ अधिकारी यहां से जा गए थे ट्रांसफर के बाद, उनके घरों पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। तो एक सघन कार्रवाई है, कोई भी जो लिंक है वो छोड़ना इस समय सीबीआई नहीं चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी, जो कि विजिलेंस डायरेक्टर भी होते हैं दिल्ली के लिए, जो दिल्ली में जो विजिलेंस डायरेक्टर है, हम आपको थोड़ी अभी अंदर की तस्वीर दिखाते हैं अर्पिता, इस समय हलचल है, जो सीबीआई की टीम है, मैं आपको सीबीआई की टीम दिखा रहा हूं इस समय, सीबीआई के जो अधिकारी हैं इस समय बाहर निकले हैं और आपको दिख रहे होंगे हमारे फ्रेम में कि सीबीआई के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी
समय बाहर निकले हुए। अभी थोड़ी देर पहले कोई हलचल नहीं थी, इस समय अचानक हलचल बढ़ी है। सीबीआई के अधिकारी बाहर निकले हैं और पूरी टीम अभी भी अंदर है, तो गेट पर भी यहाँ पर कोई अंदर ना आए, कोई भी इस तरीके से कोई अनधिकृत व्यक्ति कोई अंदर ना जा पाए, इसकी पूरी व्यवस्था इस समय की गई है। तो ये इस समय हम जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के दो जवान इस समय ठीक गेट पर बैठा दिए गए हैं ताकि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। अभी सीबीआई का एक अधिकारी बाहर निकल करके आया था, उन्होंने इन पुलिस कर्मियों को अभी एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरीके से यहां पर कंडक्ट करना है, क्योंकि मीडिया के समय काफी भीड़ है और भी लोग हैं जो कि यहां पर मौजूद हैं। इस समय हो सकता है कि कुछ विरोध प्रदर्शन भी चले, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर भी ये पूरा मामला बहुत गर्म है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस समय दिल्ली पुलिस की जवानों को तैनात कर दिया गया है। गेट के ठीक साथ में जो मनीष सिसोदिया का आवास है, हम जहां से सीधी पहुंचा रही है, ये है AB17 मथुरा के ठीक प्रगति मैदान के सामने, यहीं पर मनीष सिसोदिया लगातार रहते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि चाहे रेड 21 ठिकानों पर चल रही हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है सियासी तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो यही घर है मनीष सिसोदिया का, जिसमें जो सरकारी आवास है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का। हम दिखाएं कि किस तरीके से कुछ और भी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम मुझे लगता है कि समय आने वाले समय में यहाँ पर और भी जो सुरक्षा है वो इस घर की बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सीबीआई खुद मॉनिटर कर रही है, सीबीआई के खुद अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि ये मामला बड़ा है, रेड लंबी चल सकती है, यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ेगी। सियासी जो तापमान है, जो ऊपर का तापमान है, उसके साथ साथ सियासी तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कोई चांस नहीं लेना चाहेगी। तो इस समय सबसे बड़ी खबर कि जो रेड चल रही है लगभग दो घंटे से, उस दो घंटे की रेड में अभी क्या कुछ निकला है ये तो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि अभी भी दरवाजे के अंदर और कैमरे के साथ इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ निकलेगा, कब बाहर आएंगे, कितने घंटे की रेड चलेगी। लेकिन इस समय गहमा गहमी, अंदर शांत थी, अधिकारी अंदर बैठे हुए थे, लेकिन एक अधिकारी बाहर निकल करके आता है और पुलिस अधिकारियों को पुलिस निर्देश देता है। गेट अभी भी पूरी तरह बंद है, जो झरोखा है उससे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस झरोखे से आपको तस्वीरें धीरे धीरे दिखाई पड़ रही हैं। तो यही जो है वो स्थिति है इस समय, यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा पा रहे हैं वो ये तस्वीरें। और कहीं ना कहीं एक जो तूफान से पहले का हम कह सकते हैं सन्नाटा, हो सकता है कि सियासी तूफान यहीं पर खड़ा होने वाला हो, और एक तरीके से हो भी गया है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के मॉडल को दबाने के लिए केंद्र सरकार सियासी तौर पर सीबीआई का कुमार कुणाल, जिस सियासी तूफान की बात आप कर रहे हैं, इसका अनुमान अरविंद केजरीवाल ने भी पहले लगा लिया था। और यहाँ पर दिलचस्प है कि वो बता रहे थे कि अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है, टीमें मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंच सकती, उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक कह दिया। और आज अगस्त का ही महीना देखिए चल रहा है, तो भविष्यवाणी भी अरविंद केजरीवाल किस तरीके से देखे तो सही साबित होती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि जो उनकी सरकार है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मसला रहा, तब भी उन्होंने यही स्टैंड लिया कि ये पूरा मसला जो है वो गलत है, सत्येंद्र जैन साफ है। उसी तरीके से उन्होंने तभी ये आशंका जताई थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और अगला नंबर मनीष सिसोदिया का आएगा। और यही साफ तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है कि आज सीबीआई का छापा हुआ है, जब से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कार्यभार संभाला है उसके बाद लगातार कई सारी जांचें चल रही थी, जिसमें आबकारी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ भी, साथ ही साथ स्कूल में जो बिल्डिंग बनी है उस पर भी एसीबी की जांच चल रही है। तो ये आशंका थी और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा सकती है। मनीष सिसोदिया आज की तारीख में 19 विभाग दिल्ली सरकार के अंदर, जो 19 विभाग हैं वो देखते हैं, किसी भी मंत्री के पास इतना बड़ा विभाग नहीं है इतने बड़े बड़ी संख्या में। अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी विभाग नहीं है, जो और भी बाकी मंत्री हैं सत्येंद्र जैन के जाने के बाद सारे विभाग अभी मनीष सिसोदिया देख रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है मनीष सिसोदिया का, न सिर्फ वो राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि दिल्ली सरकार का जो पूरा कामकाज है वो एक तरीके से सिंगल हैंडेडली अगर कोई संभालता है तो वो मनीष सिसोदिया है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर एक तरीके
तरीके से दिल्ली सरकार का जो कामकाज है वो प्रभावित होने के आसार हैं। तो इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल की आशंका थी और शायद उन्हें ये अंदेशा था कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, उपराज्यपाल लगातार कई सारे मसलों को देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये कुछ कमियां निकाल करके सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई थी। तो सीबीआई की टीम पहुंचेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, लेकिन आगे क्या होता है, क्या आगे कोई उनके खिलाफ सबूत मिल पाता है, या जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है कि ये पूरा एक तरीके से फैब्रिकेटेड मामला है, जानबूझ करके उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं एक तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, खासतौर पर ऐसे समय में जब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी दावेदारी पेश कर रही है, दो महीने वहां के चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक तरीके से सियासी षड्यंत्र की बात कर रही है। लेकिन सीबीआई की टीम अंदर है, सीबीआई की टीम तमाम कागजात खंगाल रही है, उसको जो आधार मिला है वो मुख्य सचिव जो कि डायरेक्टर विजिलेंस हैं दिल्ली के, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ठीक है। यानी अभी देखिए टीम जो है सीबीआई की वो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर है।